देश की राजधानी दिल्ली के कड़कड़नुमा इलाके में बने आदित्य मॉल में गुरुवार सुबह आग लग गई। आग लगने का पता चलने के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। हालांकि आग पर तुरंत काबू पा लिया गया। मौके पर पहुंची दमकल विभाग और पुलिस की टीम ने मॉल को खाली कराकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस हादसे में किसी के हाथाहाथ होने की कोई खबर नहीं आई है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के कड़कड़नुमा इलाके में बने आदित्य मॉल में गुरुवार सुबह सुबह आग लग गई। आग की सूचना पर दमकल विभाग की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में लग गई। इस दौरान मॉल के आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सुबह का समय होने के चलते लोग मॉल नहीं पहुंचे थे, इसीलिए यहां कोई बड़ा हादसा होने से बच गया। गौरतलब है कि दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर में बुधवार की शाम एक दवा कंपनी के परिसर में भीषण आग लगने की खबर आई थी। इस आग को दमकल विभाग की 17 गाड़ियों की मदद से 3 घंटे बाद बुझाया जा सका था। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।